सो आई थिंक मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्योंकि आते वक्त आई थिंक ये पढ़ा नहीं था, एंड दिस जंगल आई डोंट रिमेम्बर एट ऑल। सो थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैं भटक गया हूँ, बट लेट्स सी, थोड़ा दूर तक जाएंगे, मे बी 10 to 15 minutes, अगर कुछ नहीं मिलता है तो वी विल अगेन रिट्रीट, क्योंकि जंगल तो काफ़ी घना हो गया है। And I can't see anyone, not any trail. I think मुझे लौटना चाहिए because I just tried for going to Kalavanti Durg, but एक marking था, but I don't find कि इधर कुछ trail है. Let's see, I'll go for another 5 to 10 minutes. Okay, so here is the dead end. ओके, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है यशस्वी और आपका दोस्त और होस्ट। सो आज हम आपको लेकर आए हैं काफ़ी स्पेशल जगह। एक्चुअली आगे शुरू करने से पहले मैं ये बताता हूँ कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है। आज हम जा रहे हैं प्रबलगढ़। प्रबलगढ़ एंड कलावंती दुर्ग दोनों पास पास में है। सो आप प्रबलगढ़ भी आ सकते हो एज अ प्रबलगढ़ ट्रैक, एंड यू कैन ऑल्सो कम टू एज अ कलावंती दुर्ग ट्रैक। ओके, सो थोड़ा बैठते हैं एंड फिर बातें करते हैं। यस, सो राइट नाउ मैं अभी ठाकुरवाड़ी बेस विलेज पे हूँ, एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय ट्रैक अराउंड 10:30 को मैंने ट्रैक स्टार्ट किया है। ट्रेल इज़ बिट मॉडरेट टू हाई। आज मैं वैसे जा रहा हूँ प्रबलगढ़, बट इफ़ टाइम अलाउज मी आई विल ऑल्सो गो टू कलावंती दुर्ग। एंड हाउ यू विल रीच हियर, फर्स्ट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम मुंबई, जस्ट टेक लोकल ट्रेन टिल पनवेल। आफ्टर कमिंग टू पनवेल टेक टैक्सी और एसटी बस। सो एसटी बस का फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, देर इज़ हार्डली 1 or 2 बस इन द मॉर्निंग, आई थिंक 8 बजे से पहले पहले। एंड इफ़ यू मिस एसटी बस देन गो टू पनवेल बस स्टैंड, उसके आगे आपको टैक्सी मिलेगा, ही विल टेक 400 rupees टिल ठाकुरबाड़ी बेस विलेज। अभी नीचे में मैंने जो दिखाया था ना, कुछ स्टॉल्स आपको मिलेंगे, पार्किंग मिलेगा जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है फॉर कलावंती दुर्ग एंड प्रबलगढ़। सो वहाँ पे मैंने नींबू पानी पिया, अच्छा था, 15 rupees का दिया। सो हेयर ड्यूरिंग ट्रैक्स अगर आपको नींबू पानी मिलता है वो भी 15 rupees में, सो दैट इज़ अ वेरी गुड डील। सो ठीक है, चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ओके, सो स्टेटस ये है कि मैंने 10:30 पे स्टार्ट किया था, अभी 11:30 हो रहा है, 1 घंटा हो गया है, एंड अभी मैं आई थिंक 10 to 20% भी ट्रैक का फिनिश नहीं किया मैंने। बट माय सजेशन इज़ इफ़ यू वांट टू डू ट्रैक फॉर कलावंती दुर्ग और प्रबलगढ़, बॉस जितना जल्दी हो सके उतना पहले स्टार्ट करो, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 10:30 ही हुए हैं एंड यू कैन सी बहुत ज़्यादा धूप हो गया है, एंड आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, पूरा भीग चुका हूँ पसीने में, एंड आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। सो अगर आपको ट्रैक पे आना है, जस्ट स्टार्ट अर्ली। द बेस्ट थिंग इज़ आपको ड्यूरिंग ट्रैक कई सारे स्टॉल्स मिलेंगे, वहाँ पे ट्रीज अवेलेबल हैं, नींबू पानी है, सो यू विल गेट रिफ्रेशमेंट। सम स्टॉल्स बंद हैं, बट यू कैन सिट देयर, रिलैक्स एंड कीप रिलैक्सिंग एंड डू ट्रैक, डोंट ओवर एग्जॉस्ट यू, क्योंकि वो फिर बाद में आपको तकलीफ देगा। ओके, सो
10:30 पे स्टार्ट किया था एंड आई थिंक 12 बज रहे हैं। डेढ़ घंटे के ट्रैक के बाद आई हैव रीच्ड हियर, सी इट? यस। सो अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो सो जस्ट मेक श्योर कि यू हैव कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट 40% ऑफ योर ट्रैक। सो डेढ़ घंटे के ट्रैक के बाद 3-4 ब्रेक 5-5 मिनट्स के लेने के बाद यू कैन रीच हियर दिस हनुमान जी के मंदिर पे, और फिर यहाँ से 45 to 1 hour का ट्रैक बाटी है। सो दिस इज ट्रेल, ये ऐसा ट्रेल है, पूरा बोल्डर्स एंड पहाड़ को काट के बनाई गया है एंड स्टीप भी है। मेरे अनुमान से 45 to 50 degrees स्टीप है। सो आपकी वॉट लगने वाली है अगर आप फ्रीक्वेंट आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते हो लाइक साइकिलिंग और रनिंग, देन आपको तकलीफ होने वाला है बॉस। और अभी मुझे वो पूरा टॉप पे जाना है, दैट टॉप। सो अभी काफ़ी ट्रैकिंग बाकी है एंड आई स्टिल फील एग्जॉस्टेड। बने रहें, पहुँच के दिखाता हूँ। सो थोड़ा मैंने ब्रेक लिया है फोल्ड जाने के लिए। 1 hour इज स्टिल लेफ्ट एंड आई गॉट अगेन 1 कंपनी। इफ़ यू गो टू माई लास्ट वीडियो ऑफ पेप फोल्ड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और यू कैन प्रेस द आई बटन। सो वहाँ पे मुझे एक डॉगी मिला था एंड आई गॉट अनदर वन एंड ही इज गुड, आई कैन गिव हिम बिस्किट टिकट। यस, गुड बॉय। आई थिंक मेरा बड़ी थोड़ा एंग्री है मुझसे, क्योंकि मेरे पास एक पैकेट बिस्किट था एंड ही कीप डिमांडिंग मोर एंड मोर। सो एक ग्लास गुड डे बिस्किट बचा था, वो मैंने इसको दिया एंड अभी थोड़ा सा अनोइंग लग रहा है मुझे। ओए ओए क्या बोल रहे, यू सी दैट साइड वाला लुक? पेप फोर्ट ट्रेल वर्सेस प्रबलगढ़ फोर्ट, आई विल से कि पेप फोर्ट का आसान था बट रिस्की था। दिस इज ये थोड़ा टफ है, ये रिस्की नहीं है बट टफ है, क्योंकि एलिवेशन ज़्यादा है, आपको ज़्यादा हाइट पे आना है एंड यू हैव टू लाइक गो टू द लाइक टॉप बाय लाइक टेकिंग द रूट्स राउंड एंड राउंड। सो वो थोड़ा एग्जॉस्ट करता है आपको, बट कोई नहीं, आए हैं तो जाएंगे ही। सो लेट्स रीच देयर। टिल नाउ व्यू इज दिस, ऐसा क्यूज व्यू है, हम पूरा नीचे से आए हैं एंड हमें ये नीचे से कम नहीं दे रहा है एंड ही इज स्टिल एंग्री ऑन मी। सो बने रहे, आई विल कैच यू बैक, बाय। दिस इज वी गॉट टू प्लेन एरिया, सो अभी प्लेन एरिया आ चुका है आफ्टर वॉकिंग ऑफ 3 hours। सो 3 hours का ट्रैक नहीं रहेगा, यू कैन ईजली रीच बाई 2 to 2.5 hours, बट मैंने कुछ ब्रेक्स लिया। बट वन थिंग आई से, द ट्रेल इज़ बिट डिफिकल्ट बट वेल मार्क्ड। आपको हर जगह ऐसे मार्किंग्स मिलेंगे कि दिस गोज टू प्रबलगढ़ फोर्ट। सो अगर आप अकेले भी आ रहे हो सो नथिंग टू वरी, इट इज़ वेरी क्लियरली मार्क्ड एवरीवेयर। सो देखते हैं अभी कितना और लगता है टाइम। आई थिंक 1/2 hour मैक्स टू मैक्स लगना चाहिए, बट हु नोज। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी विथ माई डॉगी। मुझे हर ट्रैक में कोई ना कोई मिल जाता है सिंस आई ट्रैवल सोलो, बट स्टिल आई गॉट कंपेनियन। सो आई विल कीप यू पोस्टेड, टिल देन बाय। सो आई थिंक फाइनली आफ्टर ट्रैकिंग ऑफ 3 hours, दो आई हैव टेकन लॉट ऑफ ब्रेक्स इन बिटवीन, आई थिंक वी हैव फाइनली रीच्ड एट प्रबलगढ़ फोर्ट।
ना, अभी मैं आपको लेके उधर दिखाऊंगा वेयर आई एम। मेरा अगर आप उंगली को फॉलो करोगे, दैट इज़ कलावंती दुर्ग। सो इफ यू कैन सी द चेयरिंग्स एंड एवरीथिंग, काफ़ी लोग वहाँ पे गए हुए हैं एंड दैट इज़ कलावंती दुर्ग। सो वहाँ से नीचे से इफ यू सी पूरा ये जो कलावंती दुर्ग है ना, ये हिल टॉप जो है ना, इस पर प्रॉपर स्टेयर्स बनाए हुए हैं एंड विथ द हेल्प ऑफ स्टेयर्स यू कैन रीच एट द टॉप। यू कैन फॉलो माई फिंगर। सो यहाँ तक आप जा सकते हो। फॉर टुडे आई एम डन बिकॉज आई एम ऑलरेडी लेट, सो आई विल रिट्रीट एंड गो बैक टू माई होम। सो येस, टिल नाउ इट हैज़ बिन गुड एक्सपीरियंस, हैज़ बिन गुड। आई गॉट सम फ्रेंड्स, फेलो फ्रेंड्स एंड टिल नाउ आई कॉन्ट शो यू द रियल पिक्चर ऑफ डाउन देयर, बट इट इज ऑसम, इट इज़ वेरी गुड। And I would say, please come if you get time. And this is a very good experience. And if you come here to Prabalgarh Fort, one thing you can be very sure about that, कि अगर आप कलावंती दुर्ग ना जाके प्रबलगढ़ फोर्ट आते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप मत जाओ टू कलावंती दुर्ग, बिकॉज इट्स सेल्फ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू टॉप ऑफ कलावंती दुर्ग, दैट फोर्ट। सो बट स्टिल द व्यू विच यू कैन सी ऑफ कलावंती दुर्ग फ्रॉम हेयर, फ्रॉम प्रबलगढ़ फोर्ट, इज अमेजिंग। आई कैन सी द होल कलावंती दुर्ग, द होल कलावंती दुर्ग एंड देयर इज क्लाउड, सो इट्स अ ग्रेट व्यू, इट्स अ ग्रेट व्यू फ्रॉम हियर। सो आई थिंक नाउ आई विल गो डाउन बिकॉज आई थिंक आई एम ऑलरेडी लेट एंड आई हैव टू गो अगेन टू पनवेल देन टू माई होम। सो मे बी सम अनदर डे आई विल कवर टू कलावंती दुर्ग, बट फॉर दिस ट्रैक आई एम जस्ट ending my trek here at Prabalgarh Fort. If you like this video, just don't forget to like, share and subscribe, because agar aap karoge to mujhe thoda motivation milega and I also feel ki yes, you got something interesting to view. So till then, bye bye, take care, Jai Hind.